इसी प्रकार नारायण प्रह्लाद का जीवन बहुत प्रेरणास्पद जीवन है। भक्त प्रह्लाद हैं, ध्रुव है, नारद जी महाराज, ये छोटे बड़े सम्राट आदि का जीवन मिलकर एक साधना बन जाती है। बहुत सारी प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इनका जीवन, इनकी तपस्या और इनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम जब छोटे थे तो उस समय महाराज को देखते थे और देख करके हम सोचते थे कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा जीवन जिए। ऐसा बहुत प्रेरणास्पद और आदर्श प्रेममय कूट कूट करके उनके हृदय में प्रेम है जो साधकों के प्रति प्रवाहित होता रहता है, और उस प्रेम के प्रवाह का अनुभव मेरे को भी है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। जब पहली बार महाराज के सानिध्य में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि इनकी जो आध्यात्मिक ऊंचाई है, ऐसे महापुरुष आपके सामने हैं। मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप आशीर्वाद देकर आपके साधकों को आप प्रेरित करें। पूज्य महाराज श्री शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण सूत्र भाष्कृतो वंदे भगवंत पुनः पुनः गुकारो अंधकारस्ते रुकारो निरोधक अंधकार विनिश्चिता गुरुरिति विदेति सर्वे मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके श्री त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः पार्वती पति हर 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 महादेव। व्यासपीठ को विभूषित करते स्वनाम धन्य परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज और मेरा परिचय देख के तो उन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। जब किसी छोटी सी छतरी को आसमान बना दे कोई तो उसके लिए बड़ी समस्या आ जाती है। बड़ा ही सुंदर जब हम यहां इस मंच पर आए तो अविक्रम शब्द की चर्चा हो रही थी। संघ कैसा हो, और संचित जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथाओं के माध्यम से हम ये बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर गाथा, और बड़ा आनंद आता है कि आज के इस वर्तमान समय में भी जब कहीं ऐसा श्रवण मिलता है। नहीं, आजकल तो भागवत का मतलब हो गया चार लाइनें और एक घंटा भजन, फिर चार लाइनें और एक घंटा भजन और कार्य पूर्ण हो गया।
हमारे यहाँ लिखा है नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, विद्या है कोई भी विद्या हो आपके पास तो स्वयं आपकी नेत्र बन जाती है। और हम तो कहते हैं कि नेत्रहीन सूरदास तो समाज में बहुत कम है, लेकिन नेत्र वाले सूरदास बहुत अधिक हैं। और मुझे तो सारे वही दिखते हैं, क्षमा करना महाराज, जिससे मिलता हूं कहते भगवान को ढूंढ रहा हूं, जिसके पास जाते हैं कहते भगवान को ढूंढ रहे। भगवान कोई ऐसी वस्तु है कि जो खोया जाए? एक तरफ हम कहते हैं सर्वखलविदमें ब्रह्म कि हर वस्तु के अंदर वो है, हर जगह के अंदर वो है, दूसरी तरफ कहते हैं कि उसको ढूंढ रहे हैं। जो खोया ही नहीं और उसको हम ढूंढेंगे तो मिलेगा कैसे? हमारी प्रारंभिक क्रिया ही गलत हो गई। उसको खोजना नहीं, उससे प्रेम करना है। वो तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट। आप देखो जिसने जिसने उससे प्रेम किया, अभी आप ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सुनने थे, मीरा तुकाराम, जिसने भी प्रेम किया वो झट उसके सामने आ गया। और क्षमा करना, भगवान ज्ञानियों को तो बहुत कम मिला है, लेकिन प्रेमियों को बहुत अधिक मिला है। सत्य के समान तप नहीं। विद्या को पाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। सत्य को बोला नहीं जाता, सत्य भूल जाता है, सत्य कहा जाता है। झूठ के लिए प्रयास करना पड़ता है आपको बोलने के लिए, जब झूठ बोलना है तो कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ श्रम लगेगा, कोई एफर्ट लगेगा, लेकिन सत्य बोलने के लिए तो कोई नहीं लगता है। राग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, राग हो जाता है, किसी भी चीज से हो राग हो जाता है। आपने सुना कैसे भरत को मृग में राग हो गया, किसी को पोते पोतियों में, किसी को अन्य आकर्षणों में। त्याग किया जाता है, त्याग होता नहीं, त्याग किया जाता है। थोड़ा सा समझना, विद्या पाई जाती है, उसको लिया जाता है, प्रयास करना पड़ता है। सत्य प्रयास नहीं करना, बोला नहीं जाता, सत्य भूल जाता है। राग किया नहीं जाता, हो जाता है। और त्याग होता नहीं, किया जाता है। अब इनकी बाद पांचवी वस्तु है वैराग्य। फिर वहीं आइए, वैराग्य किया नहीं जाता, हो जाता है। जो किया गया, जो छोड़ा, उसको कभी भी पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जो स्वतः हो गया उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही वहीं से है कि जब तक वैराग्य नहीं हुआ
जब तक खाली जगह बनी नहीं उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। संघ की महिता सुनी आपने, संघ हो गया किसके साथ? हिरण के साथ। संघ कब कुछ संग बन जाए पता नहीं, और संघ कब सत्संग बन जाए इसका भी पता नहीं। तो सबसे महिता है संघ की। और श्रीमद् भागवत में अनेक चरित्र हैं, एक से बढ़ के एक चरित्र है। एक एक पात्र को पढ़े तो ऐसा लगता है कि बस इसको ही पढ़ते चले जाए। और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आपने भीष्म पितामह का चरित्र पढ़ा। भीष्म पितामह ने क्या कहा भगवान से? इति मति रूप, कि हे भगवान मेरी मति, मेरा संग अच्छा हो जाए। जब तक मति के अंदर, बुद्धि के अंदर वो नहीं आएगा, तब तक आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्नति नहीं होगी। कथा श्रवण कितना भी कर ले, लेकिन वो क्रम जो है अविक्रम, और हनुमान चालीसा पढ़ें, पहले दो दोहे सुना दिए, फिर दो चौपाइयों में थोड़ा सा पढ़ना, दो लाइन में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। जिनको आता है बोलिए। बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोकी उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे मुझे भूल गया, अगली चौपाई आती हो किसी को तो महावीर जोर से बोलिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। पहली परिचय दिया है और दोहे में प्रार्थना की है, केवल पढ़ा नहीं करें उसको समझें। दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या, कितनी चीजें मांगी? तीन। धन नहीं मांगा है यहां, विद्या है तो धन अपने आप बना लेंगे, और विद्या नहीं ज्ञान नहीं तो धन चला जाएगा। बुद्धि कुबुद्धि ना हो जाए मेरी। और तीन चीजें मांगने के बाद कि दे भगवान तीन के बदले में दो ले लो, कौन कौन सी? कलेश और विकार। जब तक आपके भीतर ये रहेंगे तो आपकी साधना जो है हो सकती है, साधना आप कर सकते हैं लेकिन फलित नहीं होगी, ये निश्चित मान लेना।
कितने भी आप साधना पर अग्रसर हो जाएं और ये दोनों अगर आपके भीतर हैं तो आपकी साधना फलित होने में संदेह नहीं, निश्चय है कि वो असफल ही होगी। और स्पष्ट कह दिया तुलसीदास जी ने कि हमारे वश की बात नहीं है, हम आपको ये देने वाले नहीं। क्या करना पड़ेगा? हरहु, आपको इनको बलात् हरण करना पड़ेगा, इनको जबरदस्ती चोरी करके ले जाना पड़ेगा। और मेरी सबसे प्रिय चौपाई है, तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम। जीवन का ये क्रम टूटे ना कभी, अविक्रम बना रहे, तो उसको वही कर सकता है कि जिसका जीवन ऐसा है। हनुमान जी कभी रुके नहीं, वो समुद्र जो कोई पार करने की कल्पना नहीं कर रहा है, कोई हां नहीं कर रहा है, सब अपना अपना बल्ब खान रहे हैं। कोई कहता है मैं इतना जा सकता हूं, कोई कहते मैं इतना जा सकता हूं, और हनुमान जी कुछ बोले नहीं। अंगद ने ये कह दिया मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। जिसको पहले ही संदेह है वो कामयाब क्या होगा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मेरा बल कितना, उन्होंने कहा कि जामवंत जी ये बताओ कि करना क्या है। बल की बात छोड़ो, जामवंत मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि, इतना कहो तात तुम जाई। तो फिर उन्होंने कहा कि जाके सीता की सुध लानी है, और उसके बाद हनुमान जी रुके नहीं। आज सभी ने पढ़ा है सुंदरकांड में कि कितनी कितनी चेष्टा की गई, कितने कितने प्रलोभन दिए गए हनुमान जी को रुकने के लिए, लेकिन वो रास्ते में रुके। तो जो स्वयं अविक्रम है वही आपके क्रम को विक्रम बना सकता है। वो विक्रम कौन है? महावीर विक्रम बजरंगी। और कैसे है? कुमती निवार। पहली बात क्या कही कि कुमती निवार, तो जब कुमती निकलेगी, गंदगी निकलेगी, कूड़ा करकट निकलेगा, तभी तो सुमति आएगी। हमारी दुविधा यही है, हम साधना बहुत करते हैं, भजन बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, लेकिन जैसे घर का कूड़ा करकट प्रतिदिन आप निकालते हैं, अपने अंदर की गंदगी भी कभी निकाले? और जब तक गंदगी अंदर से निकली नहीं, कूड़े का ढेर, उस पर परफ्यूम की बोतलें आप छिड़क दो, अंदर क्या रहेगा? अंदर उसके भीतर में गंदगी ही रहेगी। जैसे ही वो परफ्यूम उड़ा, फिर गंदगी निकल आएगी। हमारे जीवन का क्रम ऐसा हो, सत्संग इतना हो कि कुसंग उसके अंदर दोबारा प्रवेश कर ही नहीं पाए। और भीष्म पितामह भगवान से यही कहते, प्राण क्यों नहीं निकल रहे? यही उत्तरायण प्रारंभ हुआ तो प्राण छोड़े। कहते हैं महाराज एक ही कारण है कि प्राण मेरे इसलिए नहीं लग रहे कि मेरी मति जो है अभी तक आप में लगी नहीं, और वो ये नहीं चाहते कि मेरा दोबारा पुनर्जन्म हो। एक बार स्वर्ग से छोटा सा अपराध करने के कारण महाभीष को इस धरती पर आना पड़ा, शांतनु बने, और गंगा पुत्र गांगे जिनका बाद में नाम भीष्म पितामह पड़ा, पत्नी के कहने में आके थोड़ा सा मन के अंदर विकार आ गया, नंदिनी चुरा ली, और परिणाम कहां तक पहुंचा। और वो इतना ज्ञानी भीष्म पितामह, जिनको कितना ज्ञान है, कितना उनके अंदर साहस है, कुसंग ने उनकी भी बोलती बंद कर दी। और जब एक दिन दुर्योधन ने ताना दिया कि आप लड़ तो हमारी ओर से रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष पांडवों का ले रहे हैं, भीष्म कहने लगे, दुर्योधन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? कहता है कि हमारी सेना के बड़े बड़े महारथी रोज मर रहे हैं, लेकिन पांडव तो दूर रहे, उनका एक रथी भी आज तक नहीं मरा। आज बात लग गई, और उस संघ का प्रभाव के वो भीष्म पितामह ने फिर प्रतिज्ञा की कि कल प्रातः काल का सूर्य तो अर्जुन देखेगा, लेकिन सायंकाल का नहीं।
आज अगर मैंने भगवान से शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। दुर्योधन फिर बोला तो द्रोण ने प्रतिज्ञा कर ली। गुरु द्रोण कहने लगे कि आज अर्जुन जो है वापिस नहीं जाएगा, युद्ध स्थल में आएगा तो लेकिन वापिस नहीं जाने वाला। अब भगवान ने प्रतिज्ञा सुनी और चिंतित रात को गए पांडवों के खेमे में कि कल क्या होने वाला है। बड़े चिंतित हो गए, कोई ना कोई इसका साधन निकाले, कोई ना कोई इसका हल निकाले। और जाके देखा तो भगवान सोच रहे कि सब मंत्रणा कर रहे होंगे, जाग रहे होंगे, लेकिन उनके शिविर से आवाज आ रही खर खर खर, सब खर्राटे मार रहे। भगवान कहते हैं आप सोए हुए? कहते हैं हाँ महाराज, दिन भर लड़े थक गए, प्रतिज्ञा नहीं सुनी। कहते सुनी है, फिर नींद कैसे आ गई? पांडव कहते हैं महाराज, जागने के लिए आप है ना, तो हमको क्या चिंता। अरे भगवान तो इतना चिंता तुर के सोचते करूं क्या। द्रौपदी को बुलाया, कहते हैं अब एक ही साधन बचा है, अगर पति की प्राण चाहती हो तो मेरे साथ चलो। कहां? किसी कौरवों के शिविर में। अरे भगवान कौरवों के शिविर में ले गए। भगवान समझाते हैं द्रौपदी को, देख बहना ये समय है जब दुर्योधन की पत्नी रोज दादा का आशीर्वाद लेने आती है, आज उससे पहले तुझे जाना है। और देख गलती नहीं करना, जाके प्रणाम करना, चरणों में प्रणाम करके जाके सिर की ओर खड़े हो जाना और मुख से एक भी शब्द बोलना नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान ने सब समझा दिया, समझ गई ठीक से, हाँ समझ गई। अंदर जाने लगी तो जैसे आजकल जाती है ना नारियां ऊंची एडी वाले वो चप्पल, तो चप्पल पहन के जैसे ही चलने लगी आवाज आई ठक 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 ठक। भगवान कहते तू सब समझ गई, अभी आवाज आएगी चौकीदार पकड़ लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या करूं भगवान। कहते उतार दे, उसकी वो सैंडल उतार दिए। द्रौपदी अंदर गई, प्रणाम किया भगवान कि कही के अनुसार, दादा को प्रणाम करके और सीधा जाके खड़ी हो गई सिराने की ओर। आगे उधर ही खड़ी रहती थी दुर्योधन की जो पत्नी आती, भगवान दादा की दृष्टि पड़ती, आशीर्वाद देते। आज देखा सामने कोई नहीं, आवाज लगाई कौन। भगवान ने कहा बोलना नहीं, लेकिन द्रौपदी के मुंह से निकल गया दादा मैं, ये किसकी आवाज है, कौन है? देखा तो द्रौपदी, तू कैसे आई अकेली? कहती नहीं महाराज अकेली नहीं आई, भैया भी साथ में आए, भगवान आए हैं। दादा उसी तरह खड़े हुए बाहर दौड़ने लगे। और जब द्रौपदी अंदर गई तो भगवान ने देखा चौकीदार आवाज लगा रहे इधर से उधर, जागते रहो जागते रहो। भगवान ने देखा अगर इनकी दृष्टि इन चप्पलों पर पड़ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने वो चप्पल लिए अपने उत्तरी में लपेट के और छिपा लिए। और जब दादा बाहर आए, दादा ने सामने भगवान को देख के प्रणाम किया, हाथ जोड़े। अब नियम है कोई आपको प्रणाम करे तो उसको प्रणाम करना चाहिए या नहीं? आजकल तो लोग कोई हाथ भी जोड़े तो बहुत मुश्किल से, महात्मा किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और लोग कहते हैं अक्सर देखते हैं महाराज जी हम, महात्मा तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और सामने वाला ऐसे सिर हिलाता है। एक बार मैं एक परेड देख रहा था महाराज, तो एक फौजी परेड में कदम ठीक से नहीं चला रहा और लेफ्ट राइट ठीक नहीं हो रहा, तो ऑफिसर ने बोला तुम ठीक से चल नहीं सकते, चलो 100 बार सल्यूट करो। अब उसने एक बार सल्यूट किया, हाथ नीचे कर लिया। अफसर बोलता तुमने सुना नहीं मैंने कहा कि 100 बार सल्यूट करो, उसने फिर एक बार किया फिर हाथ नीचे कर लिया। अब तो गुस्सा आ गया अफसर को, कहते मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं। उसने फिर तीसरी बार सल्यूट करके फिर हाथ नीचे कर लिया। अब तो झल्ला उठा कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, कहते महाराज आपने सिखाया है कि सल्यूट के जवाब में सल्यूट, मैं तो करता हूं आप आगे से नहीं करते, तो मेरा हाथ
रुक जाता है, यानी 100 बार ऑफिसर को भी करना पड़ा। तो नियम है हमारे यहाँ, हम किसी को प्रणाम करें तो सामने से उसको भी हाथ जोड़ने चाहिए। और भगवान ने इसका परिपालन किया है, आप लोग श्रवण करते हैं, और जैसे ही भगवान ने हाथ जोड़े तो क्या हुआ, उत्तरीय छूट गया और चप्पल नीचे। दादा कहते हैं कि जिनके जिन भक्तों के जूते भी भगवान उठाते हैं, कोई उनको मार सकता है, उनका बाल बांका कर सकता है। मैं संग की बात आपको कर रहा, केसर की क्यारी में से गुजरोगे उसे छुओ या ना छुओ, केसर की सुगंध आपके कपड़े में आएगी, और गंदगी की गली से निकलोगे तो छुओ या ना छुओ। कबीर जी ने लिखा है, काजर की कोठरी में के तो ही से आनो जाए, एक लीक काजर की लागे पे ही लागे है। वो कालक लग ही जाती है, इसलिए संग का महत्व है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था, हम त्रिवेणी में आए हैं, यहां वो गंगा तो बह रही है जो आपके शरीर को पवित्र करती है, उस गंगा में जरूर स्नान कीजिए संगम में। लेकिन उससे भी बड़ा संगम ऐसे महापुरुषों का यहाँ लगा है, जो हमको भी थोड़ा बहुत अवसर दे देते हैं। इस ज्ञान गंगा में भी स्नान कीजिए, उस संगम से भी ज्यादा आपको ध्यान आएगा। और इन दोनों गंगाओं में स्नान करने के बाद, जब तक तीसरी गंगा में जो लुप्त है सरस्वती की तरह, उसमें स्नान नहीं करेंगे तो कुंभ स्नान पूर्ण नहीं होगा। और वो तीसरी गंगा है ध्यान गंगा, ध्यान छूटेगा तो फिर वही होगा, पहली क्लास के बाद रुक गए, दूसरी के बाद रुक गए, तीसरी के बाद रुक गए, रुकना नहीं, निरंतर चलना है, निरंतर प्रवाहित होना, इस क्रम को टूटने नहीं देना। हम प्रतीक्षा नहीं करें कि वो क्रम दोबारा कब चालू हो, उसकी निरंतरता निर्बाध बनी रहे और हम अपने लक्ष्य पर अति शीघ्र पहुंचें। इसी प्रयास को लेके एक ही शाही स्नान मचा है, हम इन तीनों गंगाओं में तीनों संगमों पर डुबकी लगा के और ये प्रयास करें कि अब ये हमारी गति निरंतर बढ़ती रहे, निर्बाध रहे। ओम शांति। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल,
Krishna
गोविंदे गोविंदे सच्चिदानंद भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय यमुना मैया की जय गंगा मैया की जय सरस्वती मैया की जय हो प्रयागराज की जय हो भरद्वाज जी महाराज की जय हो सभी संतों की जय हो जय जय श्री श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पावन वांग्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी रंगानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, समस्त पूज्य संतवृंद, आलंदी से पधारे हुए स्वामी श्री सुबोधानंद जी महाराज, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा श्रोताजन साधकजन, बड़े ही सौभाग्य से प्रयागराज धाम में कुंभ मेला के अवसर पर संतों के मध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का ये दिव्य आयोजन श्रेयांसी बहुविज्ञानी। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, लेकिन प्रतिबंधों में रहकर उन प्रतिबंधों को दूर करते हुए जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति सफलता को पाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसकी सफलता में बाधा ना हो। दुनिया का सृजन ही अनेकों विपत्तियों से, अनेकों संघर्षों से हुआ है।
संघर्ष ही जीवन के निर्माण के प्रति हेतु है। एक बीज जमीन के अंदर संघर्ष करता है बाहर आने के लिए, उसमें अंकुर पैदा हो जाता है और वो धीरे धीरे संघर्ष करते हुए बाहर आ जाता है, वो पौधा बनता है, झाड़ बनता है। एक आश्चर्य की बात, अंकुर के रूप में जब पौधा होता है उस समय अनेकों प्रतिबंध वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वही जब पौधा बड़ा हो जाता है तो जो कीड़े मकोड़े उसके लिए प्रतिबंध बनकर उपस्थित हो रहे होते हैं, उन सब का पेड़ संरक्षक बन जाता है। जो कीड़े मकोड़े उस अंकुर को खाने के लिए तैयार थे, पेड़ बड़ा होकर के उन्हीं सारे कीड़े मकोड़ों के लिए आश्रय बन जाता है। जो गाय भैंस चरने के लिए उसको तैयार थे, खाने को तैयार थे, वही पौधा बड़ा बनकर उनको छाया देता है, वही पौधा उनका संरक्षक बन जाता है। ये दुनिया की ही कहानी है, संघर्ष में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीख पाता है। श्रीमद् भागवत में अनेकों महात्माओं की, साधुओं की कथाएं हैं, उन कथाओं से हमें सीखना है अपने जीवन के निर्माण की कला। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद बड़ा सुंदर स्कंद है, इसका नाम है पोषण माने पुष्टि स्कंद, हमारे साधना की पुष्टि, हमारे साधना का पोषण कैसे हो, बड़ा सुंदर ये स्कंद है। इस स्कंद में अजामिलोपाख्यान, दक्ष पुत्रों की विरक्ति, विश्वरूप के चरित्र का चित्रण, चित्रकेतु का चित्रण आदि आदि उपाख्यानों का प्रतिपादन किया। वृत्रासुर का चरित्र भी इसी स्कंद में है। अजामिल उपाख्यान के द्वारा ये बताया गया कि आप भगवान का नामस्मरण करते हैं तो वो नाम आपके जीवन में पवित्रता निर्मित करता है। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वद्धिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। राजा परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, भगवन व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार के काम करता है, जो काम नहीं करना है वो काम भी करता है, और अपने जीवन में अनेकों प्रकार की विपत्तियां पैदा कर लेता है, अनेकों प्रकार के दुख पैदा करता है, और वो हमेशा सोचता है कि ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा, गलती करता है, पछताता है, और वो बार बार सोचता है कि ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन वो काम किए बिना नहीं रहता नारायण। उसके अंदर इतनी गहरी वासना होती है,
वो वासना बलात् उसको प्रेरित करती है वो काम करने के लिए। हमारे जीवन का एक सूत्र है, जो हम करते हैं वो आदत बन जाती है, और एक बार आदत होने के बाद वो हमारा स्वभाव बन जाती है, वो हमारे जीवन का अंग बन जाती है। और उसके बाद फिर आप कितना भी कोशिश करते हैं तो वो चीज आपके जीवन से विदा नहीं हो पाती है। पहली बार कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तंबाकू की गंध, उसका स्वाद। पहली बार वो मुख अपना टेढ़ा मेढ़ा करके खा लेता है, फिर दोबारा खाता है, तिबारा खाता है, खाता जाता है, और वो खाना उसकी आदत बन जाती है। और जब वो चीज उसकी आदत बन जाती है तो उसके बाद फिर वो कितना भी कोशिश करता है कि ये मैं ना खाऊं, ये मैं ना खाऊं, लेकिन वो बिना खाए नहीं रह पाता है। लेकिन जो धीर वीर पुरुष होते हैं, संकल्प के धनी, वो संकल्प करते हैं कि इस चीज को हम नहीं खाएंगे और उसको छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं। कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई भांग खाता है, कोई सुल्फा पीता है, और वो गजेड़ी नशेड़ी बन के जीवन भर रहता है फिर, और वो हर बार यही संकल्प करता है कि इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा, और फिर वो चुरा करके, नजर बचा के, कुछ ना कुछ इधर उधर होके फिर वो खा लेता है। जीवन को अभिशप्त बना देता है, परिवार को अभिशप्त बना देता है। यहां सुखदेव जी महाराज जी ने यही तो प्रश्न पूछा है, भगवान आदुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर नानो नानो प्रयातना नियान तन्मे व्याख्यात्मरहसि। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जीवात्मा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और उस कर्म के जंजाल में फंस जाता है, उससे वो निकल नहीं पाता है, उसको निकलने का उपाय क्या है। यहां अनेकों उपायों में सुखदेव जी महाराज जी ने उपाय बता दिया नारायण। दद प्रायश्चित्तम विमर्शनम, सबसे बड़ा जो उपाय है ना वो भगवान का नामस्मरण है। हम लोग रोज भगवान का नामस्मरण करते हैं सुबह के सोहम साधना के सत्र में। आप सचमुच अपनी मनोभावनाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप थोड़े दिनों में भगवान के नाम स्मरण का आनंद अनुभव करेंगे, और वो प्राणों के साथ आपको जप करना, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, और आंखें बंद करके करना चाहिए। आपकी आंखें खुली हैं तो दुनिया दिखाई देगी, मन भटकेगा, और फिर बहुत सारी चीजें आपके मन में पैदा होती जाएगी।
आंखें बंद हैं और सांसों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राणों के साथ जब आप जप करोगे, आपका मंत्र और प्राण एक हो जाए, श्वास आपकी बाहर जब निकले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका सारा जीवन बदलेगा, आपका रोम रोम बदलेगा। जो आपके शरीर में आदतें ग्रहण की हैं, वो आदतें भी गलत ये शरीर छोड़ देगा। बहुत सारी गलत आदतें ये शरीर पकड़ लेता है। ये सारी आदतें तो शरीर की हैं, ये मन की भी नहीं, आप ध्यान दें। ये सारी आदतें शरीर की हैं। आपके मुख में जब वो तंबाकू नहीं जाता है तो मुख में ही कुछ होने लगता है, आपके मुख में ही कुछ सरसराहट होने लगती है, और उस सरसराहट को दूर करने के लिए आप दूसरा गुटखा मुख में डाल देते हो, और क्या है, आप कुछ नशा करते हो तो आपके बॉडी में ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लगता है, कुछ हो रहा है, और उसके बाद उस बॉडी को ठीक करने के लिए ऊपर से आप कोई डोज लेते हो। भगवान का नामस्मरण करने के बाद, सच्चे दिल से करने के बाद, आपका शरीर ऐसी बहुत सारी आदतें छोड़ देता है, और आपका मन शुद्ध होने लगता है। नारायण, सबसे बड़ा जीवन में कोई प्रायश्चित है उपाय जीवन को शुद्ध करने का, तो है भगवान का नामस्मरण। आपके पास जो भी भगवान का नाम है, आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ या आप अपने मन से अपने माता पिता से सुना है, वो उसका जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। यहां पर एक उदाहरण दिया नारायण, श्रीमद् भागवत की एक सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भी सिद्धांत को आपको बताना हो तो एक उदाहरण देते हैं, और वो अनुभव का उदाहरण, परिवर्तन का उदाहरण। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, उसका नाम भी बड़ा मजेदार, अजामिल, अजाम परमात्मानं मिलति इति, जिसका स्वभाव है परमात्मा को मिलना, जो चाहता है परमात्मा को मिलना, उनकी अंतश्चेतना में वो परमेश्वर है, उसकी अंतश्चेतना में वो सत्य है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो असत्य चाहता हो। आप कितना भी दूसरे के साथ झूठ बोलो, लेकिन आपके साथ कोई झूठ बोले तो आपको दुख होगा। आप सबके साथ झूठ बोलो, लेकिन आपके साथ एक आदमी भी झूठ बोलेगा तो आपको कष्ट होगा। आप बोलेंगे भैया तुम झूठ बोल रहे हो। आपका स्वभाव सत्य है, आपका स्वभाव ईमानदारी, मूल स्वभाव आपका ईमानदारी, लेकिन बाहर से ये बेईमानी आ जाती है। असत्य बाहर से आता है, सत्य हमारा स्वभाव है। ईमानदारी हमारा स्वभाव है, बेईमानी बाहर से आती है। आप छोटे बच्चों को देखना, बड़े निर्मल होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं, झूठ नहीं होता। माता पिता से झूठ सीख लेते बच्चे, अपने आसपास के लोगों से सीख लेते हैं। एक बार की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पर था,
एक दाम्पत्य हमारे साथ होया, ट्रेन में बैठे और जब जाने लगे कंपार्टमेंट में टीटी आया और टीटी ने हमारा टिकट चेक किया। उस दाम्पत्य के साथ एक बालक था, लेकिन उस बच्चे का टिकट उन्होंने नहीं लिया था।